भरतपुर जिले की पंचायत समिति नदबई ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के सरपंच गोपाल सिंह चौधरी ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायत में सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ पंचायत वासियों को दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पंचायत में पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो पाए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में पंचायत के वंचित विकास कार्यों को पूरा किया जाए। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में सरपंच गोपाल सिंह चौधरी के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जहांगीरपुर पंचायत समिति नंदबई जिला भरतपुर जहांगीरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी गोपाल सिंह जी से करते हैं सीधी बातचीत और करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आप अपना एक बार पूरे परिचय बताइए। मैं गोपाल सिंह चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत जहांगीरपुर पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत जहांगीरपुर पे बात करते हैं अपने जहांगीरपुर की, तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? विद्यालय में हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत स्तर पर है जी, जिसमें 450 बालिका जी व 150 बालक जी शिक्षा में उपस्थित हैं जी। यहाँ का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है जी, वर्तमान में भी शिक्षा अच्छी चल रही है जी। कोविड-19 में कुछ शिक्षा का जो ह्रास हुआ था जी, उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया था यहाँ जी, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई गई हैं जी। तो शिक्षा का स्तर ग्राम पंचायत जहांगीरपुर में ठीक ठाक है। मेरे गांव में 5 रेवेन्यू विलेज आते हैं जी। मेरे यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय है जी, व अन्य गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जी। तो कुल मिला के शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है जी। तो सरपंच साहब, वह कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलों में भी आगे जाते हैं, खेल भावना में भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खेल भावना में तो ग्राम पंचायत स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? यहाँ ग्राम पंचायत जहांगीरपुर में कोई भी खेल मैदान नहीं है जी, ना तो यहाँ कोई स्थान है, अभी ऐसी कोई व्यवस्था खेल मैदान की नहीं है जी। क्योंकि मैं स्वयं भी शारीरिक शिक्षक के रूप में अभी नियुक्त हुआ हूँ जी जी, बाकी अभी मैं सरपंच हूँ जी, तो खेल शिक्षा से भी मेरा काफी लगाव रहा है जी। तो ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के किसी भी गांव में जी व स्वयं पंचायत स्तर पर कोई खेल का मैदान नहीं है जी, और मैं अगर अभी सरपंच रहा जी, अगर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं गया सरपंच रहा, तो निश्चित तौर पर खेल मैदान का निर्माण कराऊंगा। इसके लिए आप प्रयासरत हैं जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे जहांगीरपुर ग्राम पंचायत की, तो वर्तमान में यहाँ के रोडों का स्तर कैसा है? रोड काफी घटिया किस्म के हैं, क्योंकि अपन पंचायत समिति नदबई से जुड़े हुए हैं जी, तो डेहरा मोड़ से जो हमारी ग्राम पंचायत तक रोड आता है, ये जो ग्राम पंचायत है जी जी, पंचायत समिति नदबई की बिल्कुल टेल अंतिम छोर पे है जी, तो सड़क तो काफी रफ टफ और खराब है जी, और मैं सरकार से अनुरोध भी करूंगा कि इस सड़क पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए जी जी। हमारी जो ग्राम पंचायत है, 5-6 जो यहाँ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है जी, वो ग्राम पंचायत करीब पंचायत समिति से 20 या 22 किलोमीटर की दूरी पे है जी, इनका रोड स्तर काफी निम्न है, और मेरी यही दरखास्त है सरकार से कि इन रोड को ध्यान दिया जाए। कहने का मकसद है इसको भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, सड़कों के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो आप तो सेकंड बार सरपंच हैं ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो, जो परिवार वंचित हैं, जो विधवा परिवार महिला हैं, वो पालनहार से भी जोड़ी जा रही हैं, उनको विधवा पेंशन दी जा रही है जी जी, वृद्धा पेंशन जी के भी फॉर्म अप्लाई किए करवाए गए हैं जी, और एक ग्राम पंचायत में पट्टे भी अभी जारी करवा रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो भी गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं जी, वो ऐसा स्तर नहीं है जो काफी नीचा हो जी, आवासीय चल रहे हैं, पहले भी दिलाए गए अब भी चल रहे हैं जी जी, तो गरीबी का स्तर तो काफी यहाँ निम्न नहीं है जी। कुछ घुमंतु परिवार है बंजार जाति से जी, उनकी थोड़ी स्थिति खराब है जी, बाकी की ग्राम पंचायत जहांगीरपुर समृद्ध, फिर भी उनको भी आप सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। ग्राम पंचायत जहांगीरपुर की बात करते हैं अपने
उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय की, तो वर्तमान में चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है अभी? चिकित्सा भाई हमारे यहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, जो काफी जीर्ण हालत में है जी। और पहले भी मैंने ज्ञान में दिया था सरकार के में, के हाँ जी हमारे यहाँ एक पीएससी की व्यवस्था की जाए जी, क्योंकि नदवई की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जहांगीरपुर है जी। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,000 के करीब है जी जी। तो यहाँ अगर पीएससी हम लाए जी तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा और इसके लिए प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब इसी के साथ साथ बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता की, ठीक है, तो स्वच्छता पे पंचायतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? स्वच्छ भारत मिशन में काफी कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं जी। सामुदायिक शौचालय, मॉडल शौचालय बनवाए गए हैं जी जी। ग्राम पंचायत में जो पहले ODF हुई थी जी, उसके बाद में भी लोगों ने स्वयं अपने स्तर पर शौचालय बनवाए हैं जी। गली गली कुछ साफ किया गया है जी। सफाई की समुचित व्यवस्था अभी चल रही है जी। तो इसमें ग्राम पंचायत जहांगीरपुर काफी गंभीर है जी। और हम अपने कार्यकाल में निश्चित तौर पर जी इसका भरपूर प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत स्वच्छता अभियान में जी पंचायत समिति नदवई की नंबर एक पर रहे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं जहांगीरपुर ग्राम पंचायत की, नरेगा के तहत आपने क्या वर्किंग करवाया है अभी? नरेगा में एरिगेशन के कुछ बांध निर्माण है जी, 4 बांध निर्माण करवाए हैं, एक अभी जहांगीरपुर से शेखपुर जो ब्याना सीमा पे लगता है जी, वहां की रोड निकलवाई गई है जी, 2 रोड दुरुस्त कराए गए हैं जी, 4 पोखर वर्किंग में है हमारे यहाँ जी जी। तो नरेगा में भी काफी रोजगार दिलाए गए हैं श्रमिकों के लिए और आगे भी दिलाते हैं, और इसके लिए आप प्रयासरत हो जी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं अपने नशा प्रवृत्ति की, आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, तो नशा प्रवृत्ति पे आप ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते आजकल खासकर युवाओं को और पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो नशा के बारे में ये कहूंगा, नशा तो नाश है जी, और यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा समय समय पर नशा मुक्ति कार्यक्रम काफी चलाए गए हैं जी जी। क्योंकि ग्राम पंचायत के समीप मई ग्राम पंचायत में एक शराब का ठेका होता है यहाँ जी, तो यहाँ से कुछ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि ये ठेका कहीं हाईवे के आसपास यहाँ से निकाल दिया जाए जी, ताकि युवाओं में ये लत नहीं लगे। बाकी ग्राम पंचायत समय समय पर ऐसे नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाती रहती है जी और युवाओं को समझाती है। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे COVID-19 कोरोना महामारी है, 2 साल से परेशान कर रही है, ठीक है, और अभी जैसे सर्दी का मौसम है, कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है, तो ऐसे ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को COVID-19 पे कोरोना पे क्या संदेश देना चाहेंगे? गत वर्ष जो कोरोना का यहाँ लहर भारत में लहर जो चली थी जी, उसमें ग्राम पंचायत जहांगीरपुर काफी सतर्क था जी। यहाँ 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, किसी भी व्यक्ति की यहाँ मृत्यु नहीं हुई जी। यहाँ अभी सभी सहजता से कार्य चलता है, समय समय पर सैनिटाइजर जी जी, मास्क का वितरण किया जाता है जी जी, समय समय पर मीटिंग ली जाती है जी जी। तो कोरोना में मैं तो अभी यही संदेश दूंगा लोगों को, अभी कोरोना गया नहीं है जी, कोरोना यही है, हमें ही संभल के रहना है जी। मेरा यही संदेश है, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बनाएं, मेले ठेले में। तो कहने का मतलब है COVID-19 के प्रति आपने पूरी ग्राम पंचायत वासियों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरा नियम पालन करवाया जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, नव वर्ष 2022 आ रहा है, तो 2022 पे आ रहा है, तो इस पे नव वर्ष पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा ग्राम पंचायत वासियों से, कोरोना से डरे नहीं, लड़ना सीखे जी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, नव वर्ष 2022 आ रहा है, तो ग्राम पंचायत वासियों को नव वर्ष पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राम पंचायत द्वारा विगत 2 साल जो बर्बाद हुई थी COVID-19 में विकास के रूप में जी, जी। मैं ग्राम पंचायत से वादा करता हूँ 2022 में जी, वो जो 2 साल है उनका पूरी भरपाई करूंगा जी, विकास के रूप में जी, स्वच्छता के रूप में जी, जो भी ग्राम पंचायत के कार्यक्रम है जी, वो 2022 में एक नए साल में तोहफा दूंगा, ये मेरे ग्राम पंचायत को वादा है। सघन रहूंगा, जितना भी हो सकेगा मेरे से मैं ग्राम पंचायत के लिए समर्पित रहूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब, यह थे श्रीमान जी भोपाल सिंह जी। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आपने RPT News को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।